और इसी से जुड़ी खबर यह है कि यूएनएचआरसी से सस्पेंशन के बाद गुस्से में हैं प्रेसिडेंट पुतिन। अमेरिका और यूरोपीय देशों पर बड़े पलटवार की तैयारी में इस वक्त व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं, यानी कि जल्द ही नई रणनीति के साथ काउंटर अटैक करेगा रूस। नेटो की घेराबंदी पर भी रूस एक प्लान तैयार कर रहा है, यानी कि पुतिन चुप नहीं बैठने वाले हैं। पुतिन ने साफ कह दिया है कि हम देख लेंगे, और ये बड़ा फैसला तब लिया गया जब पुतिन को यूएनएचआरसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद पुतिन ने कहा देखेंगे हम। और आज की दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि यूएनजीए से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस को यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया है और यूएनजीए में रूस के खिलाफ पड़े हैं कुल 93 वोट। भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। एक बार फिर से भारत ने वोट नहीं किया है रूस के खिलाफ। चीन, ईरान सहित कुल 24 देशों ने रूस का समर्थन किया है। और भारत समेत जो भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें से ज्यादातर देशों ने रूस के खिलाफ ये वोटिंग नहीं की है, लेकिन कुल 93 कंट्रीज ने रूस के खिलाफ, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वोटिंग की है। और इसलिए यूएनएचआरसी से अब बाहर का रास्ता रूस को दिखा दिया गया है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, और स्टूडियो में मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, आप सभी से इल्तिजा है कि थोड़ा सा और हम आगे आए। साथ ही साथ मैं तारुफ भी करा दूं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट निनाद सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और राजीव सरदाना साहब रिटायर्ड कमांडर बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग शुक्ला जी रिटायर्ड कर्नल बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि यूएनजीए ने बड़ा फैसला लिया है, वोटिंग हुई और यूएनएचआरसी से बाहर का रास्ता रशिया को दिखा दिया गया। बूचा नरसंहार के बाद जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया में रूस के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद यूएन में यह बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और आइए अब पूरी डिटेल देख लेते हैं कि यूएनजीए में क्या हुआ। दरअसल अमेरिका रूस के खिलाफ यह प्रपोजल लेकर आया, प्रस्ताव लेकर आया। प्रस्ताव क्यों लाया गया? यूएनएचआरसी से निलंबित करना रूस को मकसद था इस प्रस्ताव का, और वजह क्या बनी? बूचा में नरसंहार के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया, और प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में यानी यूएनजीए में पास हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट पड़े, और इन 93 वोट्स ने यह क्लियर कर दिया कि यूएनएचआरसी में अब रह नहीं पाएगा रशिया। विपक्ष में हालांकि 24 वोट पड़े, और न्यूट्रल रुख जिन देशों का रहा उनकी संख्या थी 58। 58 देश वोटिंग से अलग रहे, जिसमें भारत भी शामिल था। तो रूस को यूएनएचआरसी से कर दिया गया सस्पेंड। इस प्रपोजल का फैसला जो हुआ वो यही था। रूस का रुख, नरसंहार के आरोप जो हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं, वो यूक्रेन का प्रोपेगेंडा है, ये रूस ने कहा था। खास बात ये कि सदस्यता गंवाने वाला दूसरा मुल्क बन गया है रशिया, क्योंकि 2011 में याद कीजिए लीबिया ने अपनी सदस्यता खोई थी, और अब दूसरा ऐसा मुल्क है रशिया जो कि यूएनएचआरसी का हिस्सा नहीं रहा। यह कितना बड़ा झटका है। और जब पुतिन ये कहते हैं कि ठीक है आपने जो करना था कर लिया, अब हम भी देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है जी? इस समय कोई रेलेवेंस नहीं रह गया, जब वॉर अपने चरम सीमा पे है, वॉर चल रही है और हर रोज कोई ना कोई नया डेवलपमेंट होता नजर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में यूनाइटेड नेशन का रोल वैसे भी काफी लिमिटेड दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा, यूनाइटेड नेशन के एचआरसी काउंसिल से अगर उनको हटा दिया गया, इससे ज्यादा फर्क निकट भविष्य में नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सवाल तो ये है सर, क्या पुतिन इसे लेकर रिएक्ट करेंगे? क्योंकि पुतिन ने तो कह दिया है कि हम देख लेंगे, और ऐसा तो नहीं है कि पुतिन इस फैसले के बाद चुप बैठेंगे, क्योंकि लीबिया के बाद दूसरा नाम आना पुतिन के लिए बड़ी बात है रूस को लेकर। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि अगर हम उसको यूएनएचआरसी से आपने निकाल दिया तो रूस जो है उसके कोई भी चीजें मानने को बाध्य नहीं है, तो अपने मन की कार्रवाई करेगा इसके आगे। इसके बाद आप उसके ऊपर
यूएनएचआरसी से कुछ नहीं कर पाएंगे। जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर अगर इतना सब बन रहा था वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो अपने मन की कार्रवाई कर ही रहे हैं, हम देख ही रहे हैं कि युद्ध लगातार चल रहा है, 40 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चला है, आज 45वां दिन है युद्ध का। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूएनएचआरसी से जो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है रूस को, ये बहुत बड़ा झटका जरूर है।